दोस्तों सोनाली फोगाट तो अब इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी बेटी यशोधरा इन सब के बाद काफी ज्यादा मुश्किलों के कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है। हालांकि उसने अभी तक पूरे मामले को काफी समझदारी और हिम्मत के साथ निभाया है, लेकिन कई बार समय ऐसा आता है जब अच्छे अच्छे अपनी हिम्मत और साहस खो देते हैं, फिर तो वो महज 15 साल की ही बच्ची है। सोनाली के परिवार वालों से लेकर टीवी इंडस्ट्री या फिर आम जनता सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपना हर संभव समर्थन यशोधरा को दे सके और उसकी माँ सोनाली फोगाट को न्याय दिला सके। इसी बीच दोस्तों अब आपको जानकर खुशी होगी कि सोनाली फोगाट की बेटी का साथ देने के लिए अब स्टार किड सुहाना खान भी इस मामले में आगे आ गई है। सुहाना खान ने बेटी यशोधरा को लेकर क्या कहा, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों सोनाली फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला वाक्य। इस पूरे मामले में यशोधरा का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो प्लान तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि शूटिंग गोवा में करीब 1 हफ्ते तक चलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि रिजॉर्ट तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बुक किया गया था। इससे यही पता चलता है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरी घटना ने यशोधरा के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ा है, जिससे उभरने में शायद उसे काफी समय लगेगा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत और उसके मनोबल में कोई कमी नहीं देखी गई। यशोधरा की इसी परेशानी को देखते हुए अब शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने भी यशोधरा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुहाना खान ने सोनाली फोगाट के साथ हुई इस बेहद दुखद घटना पर शोक जताते हुए कहा कि सोनाली फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ वो असल में बहुत ही दुखी कर देने वाला वाक्य था। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। सुहाना ने यशोधरा से भी समझदारी और हिम्मत से काम लेने की सलाह दी और कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। सुहाना का कहना है कि मैं समझ सकती हूँ अभी उस मासूम सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। माँ हमारे जीवन में बहुत ही अहम होती है और ऐसे में उसके साथ उसकी माँ अब नहीं है, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही होगी। यशोधरा अभी बहुत छोटी है और उसे इस वक्त किसी के साथ और हिम्मत की बेहद ज़रूरत है। ऐसे में मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं यशोधरा से मुलाकात भी करूं, ताकि उसे भी अच्छा महसूस हो। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां सभी एक दूसरे की मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, ठीक उसी तरह अब उसके मुश्किल घड़ी में बारी है कि मैं उसका साथ दूं, वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। दोस्तों सुहाना खान के इस बयान ने सभी का दिल जीत लिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।